हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोचिट से योग मोतियों वाला, जो बहुत सिंपल और इजी तरीके से बताया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं बनाने वाली हूँ मोतियों वाला, बेबी का मोतियों से, मोतियों के साथ योग बनाने वाली हूँ ऊपर का, जिसके लिए मैंने बेबी वूल लिया है 3-ply का, 2.5 mm का क्रोशिया हुक, और मैंने इसमें मोती जो है धागे के अंदर, इस वूल के अंदर पिरो दिया है, डाल दिया है। देखिए, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके बनाने के लिए 75 चेन डाल लेना है। ये मैं 2 से 3 साल की बेबी का योग बना रही हूँ, जिसके लिए आपको 3 चेन को स्किप करना, 1, 2, 3 चेन को स्किप करने के बाद 4th चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें टोटल 11 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 11 बार बनाने के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये हमारा टोटल 11 टाइम डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें यहाँ पे 2 चेन लेना है, 1, 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर हमें 14 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से नेक्स्ट 14 चेन के ऊपर, 14 चेन के ऊपर हमें 14 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको हमें पूरा करना है। मैं 14 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। हमारा 14 टाइम डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें यहाँ पर भी 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पर 22 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, ये हमारा बैक का पार्ट हो गया, एक पार्ट। ये हमारा शोल्डर बाजू हो गया। ये हमारा 22 टाइम जो बनाएंगे वो हमारा फ्रंट का हो जाएगा। फिर शोल्डर के लिए बनाना और फिर बैक के लिए बनाना है। शोल्डर के लिए 22 डबल क्रोशिया, 2 चेन, उसके बाद आप सॉरी फ्रंट के लिए 22 डबल क्रोशिया, 2 चेन, उसके बाद फिर शोल्डर के लिए 14 डबल क्रोशिया, 2 चेन, उसके बाद फिर 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एंड तक हमें पूरा करने के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये हमारा फर्स्ट रो इसका हो गया। हमें इसका सेकंड रो है बनाना है। इसमें हमें पर्ल ऐड करना है, मोती ऐड करना है। इसके लिए 3 चेन, 1, 2, 3 चेन बनाना है। इसे टर्न कर लेना है। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है, मोती लाना है। पहला चेन जो छोड़ा था उस चेन में हमें पीछे से इसमें डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमें इसमें अपने बीट्स को, मोती को, पर्ल को ऐड करना है। फिर से हमें फर्स्ट चेन छोड़ना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। मोती को लाना है यहाँ पर, जो चेन छोड़ा था उस चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इसे हम क्रॉस स्टिच कहते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे पर्ल को ऐड करते जाना है। फिर से हमें एक चेन छोड़ना है, नेक्स्ट चेन में हमें अपना डबल क्रोशिया बनानी है और मोती को, पर्ल को हमें ऐड करना है दूसरे चेन में। देखिए, पीछे वाले चेन में हमें क्रॉस स्टिच से इसे डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं मोती को इसमें टक कर देना है। फिर से हमें एक चेन छोड़ना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनानी है, मोती ऐड करना है। ये हमारा बैक का पल्ला हुआ। क्रॉस स्टिच से हमें यहाँ पे मोती को
जोड़ देना है, टक कर देना है। एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया, और मोती को ऐड करना है। अब हमें जहां पर अगर एक चेन बचता है एक डबल क्रोशिया बनता है बचता है तो उसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही बना देना है। दो रहेगा तब क्रॉस स्टिच बनाना है, एक रहेगा तो उसके ऊपर डबल क्रोशिया ही बना देना है, और दो चेन का जो गैप है उसके अंदर हमें दो डबल क्रोशिया दो चेन वन टू चेन सेम इस पीस पे फिर से हमें दो डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमारा बढ़ता जाएगा पर्ल ऐड होता जाएगा। इसके आगे भी हमें इसी तरह से अपने पर्ल को ऐड कर लेना है। इस फंदे को इससे चेन को छोड़ना है, नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। क्रॉस स्टिच से हमें मोती को इसमें टक कर देना है। इसी तरह से हमें मोती को टापते हुए मैं यहाँ तक बनाने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये हमारा देखिए ऐड हो गया है मोती। अब हमें ये हमारा आर्म होल शोल्डर हो गया। अब हमें इसके बीचों बीच दो चेन दो डबल क्रोशिया बनानी है। दो चेन सेमी स्पेस में हमें फिर से दो डबल क्रोशिया बनानी है। अब आगे इस चेन को छोड़ देने के बाद नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया पर्ल ऐड। इसी तरह से अब हमें यहाँ इस पूरे रो में यहाँ तक हमें पर्ल को ऐड करना है, मोती को ऐड करना है। इसको बीचों बीच दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल क्रोशिया बनाना है, और इसके भी बीचों बीच जो चेन छोड़ा है दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक हमें इस रो को भी कंप्लीट करना है। ये हमारा पर्ल ऐड होते हुए इस तरह से लगेगा। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये हमारा सेकेंड रो कम्प्लीट हो गया। अब हमें थर्ड रो बनाना है। थर्ड रो के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तीन चेन लेना है, वन टू थ्री चेन टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे हमें पर्ल को ऐड नहीं करना है, जैसे फर्स्ट रो बनाया है वैसे ही ये बनेगा। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ये जो यहाँ पर हमने हम बढ़ा रहे हैं मैं बढ़ा रही हूँ उस इसके अंदर दो डबल क्रोशिया दो चैन और दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये वाला रो पूरा कंप्लीट होगा, दो चैन फिर से दो डबल क्रोशिया। और सारे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ाना है। इसी तरह से ये थर्ड रो को मैं जिस तरह से फर्स्ट रो बना है सिर्फ यहाँ पर हमें दो चेन दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया
बढ़ाते हुए हमें इस रो को बनाना है। ये रो को बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर तीन चेन लेना है, 1, 2, 3 चेन लेने के बाद टर्न कर लेना है और फिर से हमें ये तो थर्ड वाला रो है 2 टाइम रिपीट करना है। 1 इधर इस 1 और 2 टाइम इसको रिपीट करना है, सादा सादा बिना पर्ल के। 3 रो बनाने के बाद चौथे रो में हमें इस पर्ल को ऐड करना है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो इसके बाद नेक्स्ट मई में भी पर्ल दे सकते हैं, ज़्यादा हैवी लेकिन सुंदर इसी तरह से लगेगा। मैं इसको आगे कंटिन्यू करने के बाद आगे आपको दिखाती हूँ। 3 रो कंप्लीट हो गया है, 1, 2, 3। अब हमें इसके 3 चेन बनाना है, टर्न कर लेना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जब भी पर्ल लगेगा ये उल्टी साइड में लगेगा, बैक साइड में लगेगा, इसके फ्रंट साइड से नहीं लगेगा। जब आप बैक साइड से लगाएंगे तो ये फ्रंट साइड में आपके पर्ल जो है मोती दिखेगा, इसका आप ध्यान देंगे, हमेशा ध्यान देंगे। अब हमें यहाँ पे फिर से अपने पर्ल को ऐड करना है, फर्स्ट चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। ये देखिए हम रॉन्ग साइड से हम मोती को ऐड कर रहे हैं, ये हमारा राइट साइड में मोती आ जाएगा इस तरह से, जैसे ये बना है इसी तरह से। फिर से हमें मोती ऐड करना है, फर्स्ट चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया। अब क्रॉस स्टिच से हमें इसे यहाँ पे टक कर देना है, फर्स्ट चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। क्रॉस स्टिच से इस तरह से हमें इसमें ऐड करते जाना है। इस तरह से देखिए ये मोती ऐड होता जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे हम बढ़ा रहे हैं इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। इसी तरह से हमें फिर से 3 रो हमें डबल क्रोशिया बनाना है सादा, उसके बाद फिर मोती ऐड करना है। तो इसी तरह से हमें जितना बड़ा योग का रखना है उतना बड़ा योग हमें उतना लंबा बनाना है। मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाती हूँ। ये मैंने 10 रो बना लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये योग जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आर्म होल निकालना है। ये हमारा योग बन के कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।